वेलकम बैक टू आलियापुर। टुडे वी विल टॉक अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट वन बना चुकी हूँ, जिसमें हमने इससे पुरानी जितनी भी स्लाइड्स हैं सारी कवर की हैं। टुडे हाउएवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्राउंडिंग। ठीक है, ग्राउंडिंग से शुरू करते हैं। सो ग्राउंडिंग क्या होती है? सी, ग्राउंडिंग क्या होती है कि जब भी मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉल है जो चार्ज्ड है, लेट्स से इट हैज पॉजिटिव चार्ज। और अब मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन ये जो बॉल हो मैं इसे पॉजिटिवली चार्ज्ड से मैं चाहती हूँ कि ये न्यूट्रल बन जाए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसकी अर्थिंग कर दूंगी। तो जब मैंने इसकी अर्थिंग की तो क्या होगा, ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। कितने इलेक्ट्रॉन्स का, कि चार एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो फोर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम द ग्राउंड टू द मेटल बॉल। ठीक है, सो अभी हम इसको कर देते हैं ऊपर। ओके वेट, ऊपर करना था। ठीक है, इसको हम कर देते हैं फिर साइड। और अब बात करते हैं केस टू की, कि अगर आपकी बॉल में नेगेटिव चार्ज है तो बन सके मैंने ग्राउंडिंग की। पर इस बार क्या होगा, इस बार ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम द बॉल टू द ग्राउंड। कितने इलेक्ट्रॉन्स का, फोर इलेक्ट्रॉन्स का, फ्रॉम द मेटल बॉल टू द ग्राउंड, है ना। सो क्या होने वाला है, ये देखिए नेगेटिव चार्ज का तो है ही है, तो अगर बॉल नेगेटिवली चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम द बॉल टू द अर्थ। और अगर आप अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर ट्रांसफर होगा फ्रॉम द अर्थ टू द बॉल। ठीक है, सो नाउ इसको हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ इतने को। एनीवेज, तो अभी आई होप ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, है ना। This is positive case, this is in case of positive and this is in case of negative. Anyways, अभी तो मैंने इसे ऐसे कर दिया। Anyways, back to our presentation. यहाँ पे भी यही लिखा है, an object is grounded. कब ग्राउंड होता है, when connected to the earth by a connecting wire plus if a charged conductor is grounded तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। सो पर्पस ऑफ ग्राउंडिंग क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट को हम कर दें फ्रॉम चार्ज टू न्यूट्रल। ठीक है, सो ये क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये वही केस मेटल पॉजिटिव चार्ज वाला केस है। सो क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द अर्थ टू द बॉल, बॉल एज इन द मेटालिक बॉल नाउ। और यही अगर हम देखते हैं आपके नेगेटिव के केस में, सो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का तो ये केस है, नेगेटिव चार्ज का क्या केस है, नेगेटिव चार्ज पे भी देखिए ये बॉल है, ये अर्थ है, पर इस केस में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ऐसे होगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम लाइटनिंग की। सो लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग क्या होती है कि कोई भी, अगर हम कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, सो बेसिकली लाइटनिंग क्या होती है, जब क्लाउड्स
तक चार्ज आते हैं अर्थ तक, तो फिर हम कहते हैं कि लाइटनिंग है, राइट? सो लाइटनिंग की देखिए ये काफी डेडली है, सो किल्स मोर देन 60 पीपल एंड इंजर्स मोर देन 400 पीपल इन ओनली वन ईयर, इन ओनली 365 डेज, इन ओनली वन कंट्री USA, ठीक है? बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा स्पीड पे चलती है, 1 माइल एवरी 5 सेकेंड्स, वोल्टेज बहुत ज्यादा है, 1 × 1.2 × 8 वोल्ट्स की वोल्टेज कैरी करती है और 20,000 कूलम का चार्ज कैरी करती है लाइटनिंग. सो एज यू कैन सी लाइटनिंग इज अ वेरी डेंजरस एंड अ वेरी डेडली फिनोमेना, ठीक है? तो ये देखिए ये एक एनिमेशन है ऑन लाइटनिंग. बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, सो बेसिकली क्या होता है आपका, देखिए जब भी कोई क्लाउड होता है, क्लाउड कैसे बनते हैं आपको पता है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं जब पानी सी से इवेपोरेट होके ऊपर कंडेंस होता है, जब ऊपर कंडेंस होता है ऑब्वियसली काफी सारे कोलिजन होते हैं, काफी ज्यादा रबिंग इन्वॉल्व होती है, फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, राइट? जब ये सब होता है तो क्या होगा, क्या होगा, ऑब्वियसली चार्ज सेग्रीगेट हो जाएगा, बड़ा क्लाउड दिखाते हैं सारा नेगेटिव आ जाएगा नीचे और सारा पॉजिटिव आ जाएगा ऊपर, सारा नेगेटिव आ जाएगा नीचे, सारा पॉजिटिव चला जाएगा ऊपर और हम बनाते हैं व्हाइट रेबल ताकि आराम से दिखिए. पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, ग्राउंड है, कोई मान लो कोई ट्री है, ठीक है, ट्री है, तो ये है नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली इसके साथ आ जाएगा जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ऊपर की तरफ और ग्राउंड का भी सारा पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा ऊपर ऊपर, तो क्या होगा, अभी पॉजिटिव नेगेटिव के पास आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, तो इसलिए इन अ थिन स्ट्रीक ऑफ लाइट नीचे आएगी, सन में क्या इमिट करती है और थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट भी करेगी, कैसे, लाइट एनर्जी क्योंकि दिख रहा है, साउंड एनर्जी थंडर सुनती है, हीट एनर्जी आग लग जाती है लाइटिंग है, एंड ऑब्वियसली एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए. सो इसमें आवाज आनी चाहिए बहुत जोर की, लेकिन इतनी जोर की होती है इसलिए मैंने वो आवाज अभी तो फिलहाल रिमूव कर दी है. सो नाउ अभी मैंने कुछ टेक्निकल चाहिए सॉल्व कर लिया, लेकिन उससे हमारे जितना भी मैंने डायग्राम आया था हट गया, पर हमको पहले ही पता है, देखिए क्या हो रहा है, ये क्लाउड है पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव यहाँ आ गया और फिर क्या होगा, ये नीचे जाना चाहता है, ये ऊपर आ जाता है, लाइटनिंग हो गई, राइट? नाउ नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल अब ये क्या हो रहा है, ये आपका एक क्लाउड है, ठीक है, सारा नेगेटिव यहाँ आ जाता है, पॉजिटिव सारा ऊपर इस तरफ चला जाता है, नेगेटिव यहाँ नीचे पॉजिटिव के पास आना चाहता है, इसीलिए यहाँ आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ लाइटनिंग. अब आप ये देखिए, ये देखिए ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली यहाँ भी लाइटनिंग होगी, इंटर क्लाउड या क्लाउड टू क्लाउड, और ये टिपिकल क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होती है, ठीक है? जनरली क्या होता है, बिल्डिंग्स पे भी लाइटनिंग पड़ने का रिस्क होता है, पर आजकल क्या होता है, बिल्डिंग्स पे ना एक डिवाइस लगा होता है, वो जो डिवाइस होता है गाइस उसे बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर, ये एक ऐसा डिवाइस होता है दिखने में, पॉइंटेड एंड्स जो होते हैं इन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, लाइटनिंग पकड़ लेते हैं. अब अगर ये बिल्डिंग पे है, ठीक है, जगह का भी से बिल्डिंग छोटी बना रही हूँ, बट ऑब्वियसली लाइटनिंग कंडक्टर से छोटी होती, बड़ी होती है बिल्डिंग, क्या होता है, ये नीचे एक वायर से कनेक्टेड होती है, वायर सारा चार्ज नीचे ले जाते हैं, ये नीचे अर्थ होता है, तो जितना भी चार्ज है सारा चला जाता है अर्थ में, और इससे क्या होता है, बिल्डिंग पे बिल्कुल भी लाइटनिंग नहीं लगती है, कि एक डिवाइस है टू प्रिवेंट लाइटनिंग. अब लाइटनिंग में क्या करना चाहिए, अगर आप आउटडोर्स हैं तो क्या करना चाहिए, आप एक छोटे से एरिया में स्क्वाट कर रहे हैं, छोटे से एरिया में, बड़े छोटे से एरिया में बैठ जाइए दबके, क्योंकि ताकि लाइटनिंग आपको हिट होने का चांस कम हो, जैसे ये अगर आप हो, ठीक है, ये आप हो, ओके, सो जनरली अगर आप ऐसे लेटे हुए हो ग्राउंड पे,
लाइटनिंग बजे, ज्यादा रिस्क है कि यहाँ बजे यहाँ बजे यहाँ बजे यहाँ बजे यहाँ बजे आपकी बॉडी में कहीं भी बजे राइट। लेकिन यही आप अगर छोटे से एरिया में स्क्वाट होके बैठे हुए ऐसे, सो क्या होने वाला है फिर अगर लाइटनिंग यहाँ बजे यहाँ बजे यहाँ बजे यहाँ बजे, आपको इंजरीज होंगी बट आप बच जाएंगे, ठीक है इंजरीज हो जाएगी बट यूल बी सेव एट लीस्ट यूल बी अलाइव एंड दैट विल बी अ गुड थिंग। सो प्लस आप ट्रीज से दूर रहिए, अम्ब्रेलाज यूज मत ना करें, ठीक है। अम्ब्रेलाज में क्या होता है, अम्ब्रेलाज में हमने नोटिस किया होगा ऐसे होता है, देखिए ऊपर एक पॉइंटी है, ये पॉइंटी एंड चार्ज पकड़ लेते हैं। सेम गोज फॉर ट्रीज, देखिए ट्रीज ऐसे होते हैं, क्रिसमस ट्रीज की जिससे बात करने हैं, वैसे नॉर्मल ट्रीज भी आसपास जनरली विंटर में होते हैं, ऐसे होते हैं पॉइंटी टॉप्स, वंस अगेन कैच चार्ज वेरी इजीली, ठीक है। लाइट पोल से दूर रहिए, लाइट पोल्स क्यों, बिकॉज उनमें भी इतनी वायर्स होती हैं, सो वो भी चार्ज इजीली पकड़ सकते हैं, सो आपकी सेफ्टी के लिए। और प्लस जो वायर वायर टेलीफोन्स होते हैं उनको कम यूज करें। देखिए क्या हो रहा है यहाँ इस बिल्डिंग पे, इन केस इट इजंट ऑब्वियस, क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर है। देखिए यहाँ से कुछ आया और लाइटनिंग यहाँ नहीं सिर्फ ट्री पे गिरी राइट, वो कुछ जो था वो था नथिंग बट अ लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओके सो एनीवेज नेक्स्ट स्लाइड, ओके आई जस्ट रिमूव दिस, ओके एनीवेज नेक्स्ट स्लाइड, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए जैसे लाइटनिंग यहाँ सिटी में हो रही है, बिल्डिंग्स पे नहीं लग रही क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे हुए हैं। ओके देखिए जैसे लाइटनिंग होती है तो ऐसे होती है, स्ट्रीक्स बनती हैं, आई ज़ूम्ड इट इन, ये देखिए ऐसे स्ट्रीक्स बनती है लाइटनिंग की, दे रिजेंबल, इन केस यू हैव नोटिस दे रिजेंबल इलेक्ट्रिकल हजार्ड का साइन जो होता है ना, फैब्रिक लाइटनिंग बोल्ट, उसको देखिए लाइटनिंग बोल्ट कैसा होता है, ये उसको रिजेंबल करता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड का साइन भी ऐसा होता है, सो ये वो सबसे सिमिलर है बट दैट इज नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन राइट नाउ। एनीवेज देखिए जैसे लिमिट कीजिए अपना एक्सपोजर, छोटे सीरियम जैसे मैं बताया स्पॉट हो जाइए, अम्ब्रेलास ट्रीज लाइट पोल से दूर रहिए और कॉन्टैक्ट वाले टेलीफोन यूज मत कीजिए। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं आई लाइक टू डू, सो व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज रॉड इज पुट नियर अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाए तो डैश इज यूज्ड ऑन साइड ऑफ द रॉड हियर, रॉड यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, सो यहाँ पे आंसर क्या है, नेगेटिव इज इंड्यूस्ड ऑन द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द रॉड, और कैसा इज इंड्यूस्ड ऑन साइड अवे, पॉजिटिव, द रॉड विल अट्रैक्ट द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ओह सॉरी मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, न्यूट्रल, so rod will attract the neutral object because dash between rod and negative induced charge kya hogi ke beech mein attraction, this exceeds dash between rod and positive induced charge which is repulsion, theek hai। so ye question clear hai, iske answer kya hai, hamare answer mein thode se out of place, I'm sorry for that। अब ये देखिए थोड़े से क्वेश्चंस हैं विच आर प्रिटी बेसिक, ओके सो ड्यूरिंग रबिंग व्हाट हैज बीन ट्रांसफर्ड बिटवीन द वूलन क्लॉथ एंड द बलून, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होता है, न्यूट्रॉन्स का फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन्स का कभी होता नहीं, ओके सॉरी नेक्स्ट, देखिए वही आंसर है, देन इफ द बलून कैन अट्रैक्ट सम पेपर स्क्रैप्स व्हिच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज, सो अगर बलून नेगेटिव चार्ज यहाँ ऊपर बताया, सो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, सो आंसर इज सी राइट। अब देखिए व्हाई गैसोलीन टैंकर्स यूजुअली हैव मेटल चेन्स एट द बैक, सो
कार्स रन द टायर्स एंड बॉडीज आर यूजुअली चार्ज्ड बाय व्हाट? रोड और कार की टैंक में क्या होगा? फ्रिक्शन. फॉर गैसोलीन टैंकर्स इफ एक्युमुलेटेड चार्ज इज लार्ज इनफ डैश कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड डैश विल अकर इफ गैस एंड वेपर इज इग्नाइटेड. क्या बन सकता है? स्पार्क्स. और क्या हो सकती है? एक्सप्लोजन. एंड एक्सप्लोजन विल अकर इफ गैस एंड वेपर इज इग्नाइटेड. तो मेटल चेन्स कंडक्ट द चार्ज ऑन द बॉडीज ऑफ द टैंकर्स टू द व्हाट? टू द ग्राउंड. यहाँ पे यू कैन यूज द वर्ड अर्थ. ठीक है. एंड अवॉइड द डेंजर. नाउ नेक्स्ट देखिए आंसर्स यहाँ पे गिवन है. वही है. फॉर सम रीजन देयर आउट ऑफ प्लेस. आई एम सॉरी फॉर दैट. राइट. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो. लेट्स क्विकली रिकैप्चुलेट ये जो हमने नोट्स में आया विद देम. सो ग्राउंडिंग क्या होती है कि जब भी किसी चीज को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं कि न्यूट्रल हो जाए तो हम कहते हैं हमने सब्जेक्ट को ग्राउंड किया है. ठीक है. पॉजिटिवली चार्ज सब्जेक्ट को ग्राउंड करोगे तो ग्राउंड से मेटल बॉल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा. नेगेटिवली चार्ज करोगे सो फ्रॉम बॉल टू अर्थ ट्रांसफर होगा. राइट. लाइटनिंग जब बोल रही होता है लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? एक ऐसी चीज होती है जो लाइटनिंग प्रिवेंट करती है. पॉइंटेड एंड्स होती है. चार्ज बहुत ज्यादा लाइटनिंग पकड़ लेते हैं. वायर से कनेक्टेड होते हैं जो ग्राउंडेड होती है. राइट. और क्या करते हैं लाइटनिंग? छोटे से एरिया में स्क्वाट हो जाओ. ठीक है. ताकि चार्जेस कम हो. ट्रीज अम्ब्रेलाज लाइट पोल्स को अवॉइड कीजिए. और कॉन्टैक्ट वाले टेलीफोन्स होते हैं जो बिल्कुल जुड़े होते हैं उनको प्लीज यूज नहीं करना. ओके. डू नॉट यूज. डोंट यूज. ठीक है. नहीं तो करंट कॉर्ड के थ्रू आता है और आपके हाँ कॉन्टैक्ट टेलीफोन कॉर्ड टेलीफोन्स होते हैं. कॉर्ड टेलीफोन. सो कॉर्ड से ही तो करंट आता है और आपको शॉक लगता है. ठीक है. वी डोंट वॉन्ट दैट. सो एनीवेज दैट इज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. गुड बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.